नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई क्या, आज हम लोग ज्योमेट्री का, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल एंगल डिस्कस किए थे ज्योमेट्री में। दूसरा जो है हमने ये डिस्कस किया था भाई कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है, उस पर बेसिस क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो है फिर से क्या देखोगे, मध्यिका और केंद्रक और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो डिस्कस करने वाले। ट्रायंगल के सारे एप्लीकेशन इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अब एक एक टर्म्स को जो है प्रॉपर जो है बेसिक से हम लोग समझेंगे और इस टाइप से क्वेश्चन को रिलेट करेंगे कि एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनमें आपको कोई डाउट ना हो। तो चलिए आई भाई, क्या डिस्कस करने वाले भाई, ज्योमेट्री का पार्ट टू। बाकी सर को आप लोग जानते होंगे, हाँ कुछ थ्योरम्स हैं जिनका यूज आप लोग जो है मीडियंस और सेंट्रॉइड में करते हैं केंद्रक में, वो हमें पता होना चाहिए। बस इस पर क्वेश्चंस भी बनेंगे, हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स हैं जिनका यूज हम किसमें, सिर्फ और सिर्फ केंद्रक यानी सेंट्रॉइड में रिलेट करने के लिए करते हैं। देखो बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम बीपीटी, या आप लोग बहुत बार सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो भी इसका यूज हम करते हैं, यानी थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। तो आप लोग कंफर्म है, थेल्स थ्योरम का मतलब हुआ कि जैसे ये एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है जो डी और ई बिंदु ए और बिंदु एबी पर डी बिंदु और एसी पर ई बिंदु, इसको एबी और एसी को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। किस पर? प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। तो डेफिनेट जो है प्रोपोर्शनली डिवाइड करने का मतलब, देखो अगर आप लोग बात करो जैसे ये, इसकी बात करें, ये और ये क्या होंगे, ये एक तरीके से संगत कोण होंगे ना, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। वैसे भी कह सकते हैं प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे, ये संगत कोण होंगे, यानी एक भुजाएं, दो एंगल कॉमन है, एक भुजाएं कॉमन है, इट मींस ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे ही होंगे। तो वही जो है थेल्स थ्योरम ने बताया कि भाई अगर ऐसा होगा कि डी और इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा, तो देन डेफिनेट ध्यान समझिएगा कि जो एडी यानी एडी अपॉन, ध्यान समझिए, एडी अपॉन डीबी, यानी जो इनका प्रोपोर्शन होगा ये एई अपॉन, क्लियर, ये एई अपॉन ईसी के बराबर होगा। मतलब ये हाफ पार्ट एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी के बराबर होगा। ये थेल्स थ्योरम है, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम है। हाँ, अब हम इनसे और रिलेट करते हैं। देखो अगर हम दोनों में वन ऐड कर देंगे, हमें पता है जो ये ए बी है भाई, ये ए बी इक्वल टू क्या है, ये डेफिनेट ए डी प्लस डी बी है ना, क्लियर है कि नहीं है, यानी ए डी प्लस डी बी, ये ए बी पूरा है। आप बताओ ए सी इक्वल टू क्या है, कहोगे ए ई प्लस ई सी है ना, तो ये बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से आप लोग समझेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है, यानी पूरा कंप्लीट हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इस पर जो मैक्सिमम आने वाले क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये क्लियर है। आप लोग अगर दोनों में वन ऐड कर दोगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों में वन ऐड कर दो या वन सब्सट्रैक्ट कर दो, रिवर्स कर दो, हम ये भी कह सकते हैं, पहला तो ये लगा सकते हैं, सेकेंड हम ये लगा सकते हैं भाई, जैसे ये ए डी, अगर हम सिमिलरिटी को प्रूव करें तो ये ए डी ई, जैसे ये ट्रायंगल है ना, अगर हम सिमिलरिटी को प्रूव करें, एक ट्रायंगल हमारा ए डी ई बन रहा है, ठीक है ना, और दूसरा बन रहा है, यानी ये सिमिलर किसना ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है, तो अगर हम ए बी डी इसको इसके सिमिलर प्रूव करें, तो आप कह सकते हो वैसे भी कि भाई जो हमारा ए डी अपॉन ए बी, यानी इन दोनों की करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स की साइड, वो ए ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। बताओ कोई डाउट है? बिल्कुल कह सकते हो, यानी ये कह सकते हो, ये कह सकते हो। आप लोग यहां से ये भी बता सकते हो, जैसे इस वाले में, अच्छा इसमें हमने यहाँ रिलेट इसको नहीं किया, और ये भी कह सकते हैं भाई जो DE हमारा ना पैरेलल वाला, वो BC के बराबर, ये भी कह सकते हैं ना, तो ये अगर इसको प्रूव करते हैं तो कोई भी होगा करेस्पॉन्डिंग साइड्स में, ये थेल्स थ्योरम का आप लोग रिलेट करोगे, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। अभी देखिएगा इसका यूज क्या करते हैं। ओके अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम, इसी थेल्स थ्योरम को थोड़ा सा रिलेट कर दिया गया, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बहुत थ्योरम में पढ़ना नहीं है कि प्रूव नहीं करना, आप लोग क्वेश्चन लगाना है, बस ये ध्यान दीजिएगा थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम में सिर्फ ये कह रहा है कि अगर जो हमारा ये, देखो ये जो ए बी है ना, वो ए डी और बी सी, ये दोनों बराबर है, यानी दोनों बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये इसके बराबर है, यानी ए सी का सम द्विभाजक ई है, हम ऐसे सोच लें कि एसी का सम द्विभाजक ए ही है। मतलब आपको ये बोल दिया जाए भाई कि जो हमारा ए बी है ना, जो ए बी है ये डबल ऑफ ए डी है ना,
या हम ये कहें या कहें कि AD बराबर कितना BD है ना, ये या AE बराबर कितना है, AE बराबर हमारा EC होगा, देन डेफिनेट जो हमारा DE होगा, जो DE होगा वो BC के क्या होगा, पैरेलल होगा, ये मस्त है। और अगर पैरेलल होगा तो डेफिनेट आप लोग वही चीजें जो थेल्स थ्योरम में अप्लाई करोगे यही यहां अप्लाई कर सकते हो। आप बिल्कुल कह सकते हो भाई ये हमारा AD अपॉन DB इक्वल टू दिस, ये रिलेट कर सकते हो, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि अगर ये बराबर है तो भी ये आपस में DE और BC क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा। वेरी गुड, अभी क्वेश्चंस देखेंगे थेल्स थ्योरम, बस थोड़ा सा जनरली रिलेट करते हैं। एक और जरूरत पड़ेगी जब आप लोग केंद्रक सेंट्रोइड को डिस्कस करेंगे, जिसकी बात करें अपोलिनियस थ्योरम। तो ये नाम है भाई, अब क्वेश्चंस में आप लोग इसको जनरली इस थ्योरम से सॉल्व भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम कुछ सर नाम नहीं ध्यान देते, बस हमें प्रॉपर्टी याद रहती है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को याद रहता है, याद करते हैं। अपोलिनियस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये इससे क्वेश्चंस बनते भी हैं और इसका यूज अभी हम लोग मीडियंस में करेंगे। यहां एबीसी है, एबीसी है और एडी इज द मीडियन। मीडियन का मतलब हुआ साइड बाई सेक्टर, यानी मीडियन का मतलब ये हुआ कि भाई साइड बाई सेक्टर, साइड बाई सेक्टर का मतलब ये हुआ कि साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। जैसे ये जो एडी अगर मीडियन है ना, तो इसका मतलब यानी ये बीसी का मीडियन एडी है, तो इसको बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। देखो लिखा भी है यहां पे इस टाइप से ना, देखो लगा है, यानी इसका मतलब आप लोग बोल सकते हो भाई कि जो बीडी इक्वल टू क्या, देखो लिखा है सीडी, मतलब सुनहरे अक्षरों में लिखा है, ठीक है। तो ये ऐसा है, या हम ये भी कह सकते भाई जो हमारा बीडी है ना, बीडी है बीसी डिवाइड बाई टू, बात तो वही है ना, और सीडी इक्वल टू बीसी डिवाइड बाई टू, या बीडी इक्वल टू बीसी डिवाइड बाई टू। आई होप यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। और इसमें थ्योरम भी जो यूज करते, थ्योरम का ये समझिएगा, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, मतलब अगर हम ए बी के उसकर इसकी बात करें, देखो किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी ए बी की बात करें प्लस एसी की बात करें, एसी स्क्वायर की बात करें, ध्यान दीजिएगा अभी हम लोग इसी के थ्रू सेंट्रोइड को रिलेट करेंगे, यानी ए बी और एसी यानी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, तो ट्वाइस ऑफ दियर मीडियंस, यानी मीडियन यानी एडी इसका होगा, और प्लस आप लोग चाहे बीसी डिवाइड बाई टू करो, अगर तीसरी साइड को रिलेट करना, बीसी डिवाइड बाई टू करो या बीडी करो, देखो चाहे बीडी करो चाहे बीसी डिवाइड बाई टू करो, दोनों सही है ना। हम यहां बीडी कर देते हैं, कोई बात नहीं, बीडी के स्क्वायर के बराबर हो। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी तीन भुजाएं होंगी यहां पे, और तीसरी भुजा पर जो परपेंडिकुलर होगा उसका स्क्वायर, और तीसरी भुजा का आधा जो होगा उसके स्क्वायर के डबल के बराबर होगा, ठीक है ना। ये हमारा अपोलिनियस साहब ने एक थ्योरम दिया कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा होगा तो डेफिनेट ये तरीका फॉलो होगा। इसमें होता क्या है, दो भुजाएं दी होती हैं और तीसरी भुजा दी होती है, हाँ तीसरी अगर भुजा या तीनों भुजाएं दी होंगी, मीडियंस निकालना होगा, बता सकते भाई, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं और यहां भुजाओं पर मीडियंस दिए गए हैं, तो मीडियंस को आप लोग बताना होगा क्या होगा मीडियन की लंबाई, वो भी क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम सिर्फ इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं अभी कि इनका यूज हम सेंट्रोइड में करते हैं, बताओ कोई डाउट है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखोगे अगला क्वेश्चन, अच्छा इसको क्वेश्चंस कुछ देख लेंगे, जैसे यहां पे कह रहा, देखो ध्यान से अभी जो लिखे थे आप लोग, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ये दिस समबाहु त्रिभुज का मतलब आप लोग कंफर्म है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये ए कह रहा है, ये बी कह रहा और ये सी कह रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। बिंदु पी और क्यू बीसी पर स्थित है, ठीक है, ऐसे कि पी क्यू पांच मतलब बी क्यू बीसी पर स्थित है, पी क्यू पैरेलल बीसी, इसको पढ़ ध्यान से, तो पी क्यू पैरेलल बीसी इसका मतलब ये यहां पे होगा, ये पी और यहां क्यू, ये तो है ना पैरेलल का मतलब ये ना, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, कंफर्म है। पी क्यू इक्वल टू कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, अच्छा। तो त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल बताइए, सबसे अच्छी बात है कि अगर ये पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा अगर ये पैरेलल होती है तो आप लोग ये क्लियर है, यानी ये करेस्पॉन्डिंग होगा ना, तो हम ये थेल्स थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं भाई कि जो हमारा एपी होता है और इसकी संगत भुजा जो एबी होगा ना, ना मतलब एपी अपॉन एबी, अगर हम छोटे वाले त्रिभुज की बात करिए, मतलब या ये भी कह सकते हैं कि भाई जो हमारा एपीबी, जो एपीबी ट्रायंगल है
वो समरूप त्रिभुज हम बोल सकते हैं क्या भाई? ट्रायंगल एबीसी के बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, कह सकते हैं भाई देखो ये इसके बराबर है। तो अब समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम लोग पहली क्लास में पढ़े थे कि जो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो आप लोग यहां जरूरत ही नहीं है, मतलब हम ये समझ जाएंगे कि जैसे यहां पे 5 है तो ये प्रूव कर देंगे एपी बराबर एबी इक्वल टू कितना PQ अपान कितना हुआ, ये BC बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि भाई AQ अपान कितना AC बोल सकते हैं, ये सब यानी थेल्स थ्योरम हुआ या जो है करेस्पॉन्डिंग फॉर्म में सिमिलर की प्रॉपर्टी यूज करके बता सकते हो। इसको बताने का मतलब ये है कि जब भाई अगर PQ इतना है तो AP भी इतना होगा, मतलब या जो है PQ इतना है तो AP भी इतना होगा, तो बस ये समझना है, यानी ये भी 5 होगा ये भी 5 होगा। तो देखते ही हमें और कोई प्रॉपर्टी यूज करें या ना करें, जब 5 है तो हमें APQ का एरिया चाहिए, जब हमें एरिया चाहिए, जब साइड्स कंफर्म है, तीनों साइड वैसे बराबर होती, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं थी, तो कहोगे सर एरिया क्या होगा, एरिया ट्रायंगल का, ट्रायंगल APQ का एरिया क्या होगा, बिल्कुल आप लोग भाई √3/4 जैसे करते थे वो भी कर सकते हो, साइड स्क्वायर, साइड का मतलब 5 का स्क्वायर ना, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 √3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। क्या कही है, बिल्कुल, मतलब इतना इजी क्वेश्चन देने की उम्मीद नहीं थी, बस क्या कह रहा वो क्वेश्चन को समझने के लिए कह रहा कि भाई डायग्राम बना लो आप लोग, तो अभी फिलहाल डायग्राम बना रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को रिलेट कर रहे हैं। चलो देखो नेक्स्ट, अगला देखो, ध्यान समझिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ये एक बार सीजन में आया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, त्रिभुज एबी में XY BC के समांतर है, आप बनाओ भाई, ये है ना त्रिभुज ABC हुआ, बना लीजिए, यहां A हुआ, यहां B हुआ, यहां C हुआ, XY के समांतर यहां, यहां X बना लो, यहां Y बना लो, ये इसके पैरेलल है, मींस XY पैरेलल का ये होगा BC, ऐसे बना लिया, वेरी गुड। अब दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता, मतलब जितना इसका एरिया होगा इतना ये हो एरिया होगा, समझ में आ रहा, बराबर क्षेत्रफल, हाँ देखने से नहीं लग रहा लेकिन क्वेश्चन जो कह रहा है वो हम फॉलो करेंगे, थोड़ा सा भाई इसको जो है और नीचे कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। एरिया की बात करें, बराबर क्षेत्रफलों में इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, एक्स ए बी पर स्थित है बिल्कुल भाई, और वाई जो है ए सी पर स्थित है, बिल्कुल सही है, तो बी एक्स अपॉन ए बी ए सी पर बताना है, तो बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू, ये आप लोगों को बताना है, इक्वल जो लाई ऑन ए सी पर है, देखो क्या कह रहा भाई, बी एक्स एक्स ए बी पर वाई ए सी पर, तब फिर कहां डाउट है, अच्छा वो कह रहे चलो बी एक्स जो कह रहा है वही करो, कोई बात नहीं, ये कह रहा है कि आपको क्या बताना, बी एक्स अपॉन ए बी, बी एक्स अपॉन ए बी फाइंड करना है, इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है कोई बात नहीं, कितना आसान है, बस क्वेश्चन को आप लोग रिलेट करना है, देखो समझिए, देखते ही कंफर्म है, अगर ये पैरेलल है तो हमें कंफर्म है ये संगत करेस्पॉन्डिंग, ये करेस्पॉन्डिंग, यानी जो ट्रायंगल ए एक्स वाई है, ए एक्स वाई है वो सिमिलर ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल ए बी सी के है, ये तो देखते ही, मतलब वो थेल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी बिल्कुल यूज कर सकते हो, क्लियर ना, या मिड पॉइंट थ्योरम को यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज करिए। तो देखो आप कहोगे कि जो है अगर सिमिलरिटी का यूज क्या होता है, कि जो एरिया का रेशियो होता उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, मींस आप कहोगे कि सर यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई ना अपॉन एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ये जो होगा ये होगा किसके बराबर होगा, ये करेस्पॉन्डिंग साइड किसी को ले लो, ए एक्स अपॉन ए बी वाला था, मतलब इधर वाली साइड है तो इधर वाले को ले लो, यानी ये ए एक्स, ए एक्स वाई की करेस्पॉन्डिंग साइड ए एक्स हुआ, ए वाई हुआ, एक्स वाई कोई भी ले लो, फिलहाल ये पहले वाला ले रहे हैं, अपॉन ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा, यहां तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई। और आपको पता है जो ए एक्स वाई है और ए एक्स वाई है और ये जो है क्वाड्रेटल बराबर एरिया है, मतलब अगर ये एक होगा ये भी एक होगा तो पूरा दो होगा, मतलब ना रेशियो की बात करेंगे 1/2, ये एक होगा तो ये भी एक होगा, ये एक होगा ये भी एक होगा, तो पूरा दो हुआ ना, बिल्कुल सही है। तो ये ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू क्या होगा भाई, ये स्क्वायर है इधर आएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो कहोगे बिल्कुल सही है, यानी ए एक्स अपॉन जो ए बी है वो भाई क्या होगा 1/√2 होगा, लेकिन ax अपॉन ए बी एक्स पूछा जा रहा, आप बताओ
कि जब हमें पता है bx ये अपॉन पूरा पूछा गया है तो ये तो भाई अगर दूसरा अल्टरनेट चाहिए तो जोड़ घटा के कर सकते हो। हमें पता अगर ab यहाँ ab में से ax घटा दें तो bx आ जाएगा। तो या तो हम करें दोनों पक्षों में, ध्यान दीजिएगा ये ना, इतना क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत करिएगा भाई। देखो यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे क्या था ax ना, कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, ax अपॉन ab इतना हुआ। अब देखो एक bx निकालना हम ये कर दें, जान समझिएगा, सिर्फ यानी वन में से इसको माइनस कर दें, एक में से ax अपॉन ab को माइनस कर दें और एक में से वन बाई अंडर रूट टू को माइनस कर देना। क्यों माइनस कर रहे हैं कि ab, देखो यहां पे जब ab LCM लोगे ab माइनस ax क्या हो जाएगा, अपने आप bx हो जाएगा अपॉन ab ना, और यहां से रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू हो जाएगा, हम कर सकते हैं। तो bx अपॉन ab रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू क्या है, हाँ ये तो है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कंडीशन यूज करना है, तो अगर आप लोगों को एक पता है दूसरा चाहिए तो उनमें से घटा दोगे तो भी, यानी एक में से घटाते हो इसलिए घटा रहे हैं, देखो यहाँ पे एलसीएम वन ए बी हो जाएगा तो ए बी माइनस ए एक्स का मतलब ये बी एक्स हो गया, और यहाँ वन में से घटाओगे तो इतना हो गया। तो जो हमें रिजल्ट चाहिए अगर उसको ध्यान दें तो एक जोड़ घटा सकते हैं थ्योरम से और हमको रिलेट करके, वही ये भी हो गया। बोलो कोई डाउट है, आई होप कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो इतना सभी को समझ में आ रहा होगा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके देखो अभी हम ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो जिनमें इनका यूज है और बहुत बार जो है एग्जाम में आ चुके होते हैं। ये आप लोगों को एरिया में भी बताए होंगे, जब मेंसुरेशन डिस्कस किए होंगे तो भी बताए होंगे, और ये बताए होंगे भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। जैसे समकोण त्रिभुज एबीसी में बी एंगली, यानी एबीसी में बी 90 डिग्री अगर होगा तो एसी आप लोग कर्ण हाइपोटेनियस है, बीडी को समकोण यानी यहां पर बीडी से परपेंडिकुलर डिवाइड किया गया। प्रपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं हुआ कि जो हमारा BD है वो AC को बराबर भागों में विभाजित कर रहा, नो, ये मतलब प्रपेंडिकुलर का मतलब सिर्फ उस पर लंबवत है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रपेंडिकुलर हमेशा साइड बाइसेक्टर नहीं होता, प्रपेंडिकुलर उस साइड पर प्रपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है, ध्यान दीजिएगा, मीडियन साइड बाइसेक्टर होता है। ओके अब कहोगे कि तो बी एसी पर गिरा जाता है, तो ये कंडीशंस होगी, ध्यान दीजिएगा, कंडीशंस ये होंगी। सबसे पहले ये समझिएगा, पहला BD, जो हमारा BD ये प्रूफ भी किया गया है, प्रूफ कैसे किया गया है, हम अगर इसको कुछ भी x मान लें, ये यहाँ पे AC माइनस x हो जाएगा, तो पूरे का एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर है, वहां से रिलेट होके ये कंडीशंस निकलती है। ये प्रूफ करवाया था मेंसुरेशन में, आप लोगों को प्रूफ करवाया था, ध्यान दीजिएगा कि या ऐसे समझिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है और ये इसका BD, तो जो BD होगा, ध्यान दीजिएगा, जो BD होगा यानी जो परपेंडिकुलर की लंबाई होगी यहां से, यानी ये AB बेस परपेंडिकुलर इनटू बेस और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होगा, देखो यही हुआ, यानी जो BD होगा ये AB इनटू BC अपॉन AC। याद कर लीजिए भाई कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के कर्ण पर जो है एक परपेंडिकुलर जाड़ा जाता है, जो परपेंडिकुलर की लंबाई होगी BD, इसका मतलब परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होता है। ये कहां से होता है, हम लोगों ने प्रूव किया था मेंसुरेशन में, ध्यान दीजिएगा। ओके अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप लोगों को चाहिए ये वाला पार्ट, ये जैसे AD चाहिए, ध्यान दीजिएगा AD चाहिए, तो अगर AD चाहिए तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा देखो AB स्क्वायर अपॉन AC, तो AD के सामने वाला क्या है भाई, परपेंडिकुलर है ना, आप लोग अगर P मानते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन AC हमेशा रहेगा, मतलब हाइपोटेनियस हमेशा रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो बोलो कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, ये याद कर लीजिएगा, जो B है AD, ये चारों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर कहीं भी ऐसा बनेगा हमेशा फॉलो होगा। तीसरी कंडीशन देखो CD चाहिए, अगर ये CD चाहिए तो इसके सामने का स्क्वायर वही है ना, देखो BC का स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, मतलब हमेशा हाइपोटेनियस होगा, ये वह कंफर्म है, यानी इसके सामने बेस का स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, ये बना लोगे। अच्छा चौथा कंडीशन ये है, तो 1/ जो BD का स्क्वायर होगा, ये चारों कंडीशन है डायरेक्टली यूज होती है एग्जाम में, ये हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस को छोड़कर जो हमारा परपेंडिकुलर है, ध्यान देगा, जो ये 1/ क्या होगा, ये BD का स्क्वायर होगा यानी परपेंडिकुलर है, वो 1/AP जो है AB का स्क्वायर, AB का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और 1/ बेस का मतलब B का स्क्वायर के बराबर होगा, ये ध्यान दीजिएगा, वही AB और AC ये दिया गया है, ये हर बार बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भाई, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और ओरली आप लोगों को बताना होगा क्या आंसर आएगा।
और ये आप लोगों को मेंसुरेशन में भी इस पे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और यहां भी अभी सॉल्व कराएंगे जब क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। बताइए क्लियर है ये चारों कंडीशंस, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है उस पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा, जो परपेंडिकुलर की लंबाई परपेंडिकुलर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, जो पहला पार्ट होगा इसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, दूसरा पार्ट इसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और तीसरा जो है जो इसका यानी जो परपेंडिकुलर का 1/ परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसके इसके बराबर होगा। ये कंडीशंस आती हैं और आपको बताना होता क्या कंडीशन सही है एग्जाम में, तो ये चारों आपको रटना होगा यानी याद करना होगा और तभी आप लोग एग्जैक्टली समझ पाए क्वेश्चन को। चलिए इसको देखो, त्रिभुज एबीसी पर ए समकोण है, त्रिभुज एबीसी है कह रहा है ए समकोण है, बना दो भाई ये समकोण, दिस यानी ए 90 डिग्री है ना, समकोण ए बी और सी जैसा कह रहा वैसा लिखो। यदि ए बी इक्वल टू 3 इकाई यानी ए बी इक्वल टू 3 इकाई, ए सी इक्वल टू 4 इकाई, ए सी इक्वल टू 4 इकाई, ठीक, तो ए डी भुजा बी सी पर लंबवत है, ए डी भुजा ये लंबवत है तो बी सी पर लंबवत है, तो त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, ए डी बी का क्षेत्रफल। बस देखो आप लोग बताओ क्या इसको बराबर भागों में डिवाइड करेगा, सब कुछ क्लियर है भाई, आप लोग ओरली बता सकते हो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ ये एडीबी, देखो एडीबी इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसका एडीबी की बात करें, तो एडीबी की बात करें तो यहां पे अगर समझिए तो ये हमारा बेस हो जाएगा ना, अगर हमें ये पता हो जाता है तो ये बेस हो जाता और ये परपेंडिकुलर इसकी लंबाई पता हो जाती, वैसे भी निकाल सकते हैं भाई ये जो है अगर ऐसे बना दोगे तो देखो ऐसे बन जाएगा ना, देखो यहां पे ये हमारा डी हो जाएगा ना, ये हमारा डी हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा ना, तो अगर डी बी आप लोगों को पता, डी बी हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये दोनों साइड्स पता है तो एरिया अपने आप 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया कि नहीं हो गया, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री हो गया ही होगा, वेरी गुड। और कोई मतलब उसी से आप लोग बता सकते हो, तो देखते ही क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया भाई, अगर ये तीन है, ये चार है, ये तीन है, इसका मतलब डेफिनेटली 5 होगा, ट्रिपलेट होगा, मतलब हाइपोटेनियस का मतलब ये एच का स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर के बराबर होगा, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता सबको पता भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर ये 5 है ध्यान दीजिएगा तो आपको ये बोल दिया जाए भाई ये हमारा 1/2 यानी जो एरिया होगा 1/2 ये बेस, बेस का मतलब बी डी ना, और इंटू हाइट, हाइट का मतलब कितना ए डी, अगर ये हमें पता हो जाता तो भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, तो इसको सॉल्व कर ले और किसी की जरूरत ही नहीं होगी और इजी वे में आंसर बता दोगे, और ये हमें पहले से पता है 1/2 बी डी, देखो बी डी क्या होगा आपको पता है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, यानी 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस 5, यानी यही तो लिखे थे अभी भाई, अगर डी बी चाहिए तो सामने वाली भुजा का स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, अच्छा बिल्कुल। एडी अगर चाहिए आपको क्या लिखे थे भाई, एडी का मतलब 3 × 4 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, 4 × 3 = 12 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस यानी 5, ये तो चाहिए, बस सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 × 2 = 12, यहाँ से 9 × 6 = 54 डिवाइड बाई 25 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे दिस, मतलब कितना इजी क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान देना आप लोगों को, बहुत बार पूछा जाएगा, ये तो अभी ऐसे पूछा रहा है, बहुत सारे टर्म्स में पूछा जाएगा, तो हमेशा अगर ऐसा दिया होगा तुरंत देखते ही ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसका मतलब 3, 4 है तो 5 तो होगा ही होगा, वो तो निकाल ही सकते हो, आपको पता AD इक्वल टू क्या होगा, AD इक्वल टू ये AD जो परपेंडिकुलर होगा ये 4 × 3 डिवाइड बाई 5, मतलब ये परपेंडिकुलर बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, अच्छा CD इक्वल टू क्या होगा, ये लिखे थे ना इसके सामने भुजा का स्क्वायर 4 / 5, BD इक्वल टू क्या होगा, बार बार रटा दे रहे भाई, रट लो इसको 3 का स्क्वायर / 5, और बाकी कंडीशन तो होता ही होता है, तो हमें ये तो पता BD इक्वल टू इसका स्क्वायर डिवाइड बाई AD पता है, तो फिर बिल्कुल एरिया ये हो ही जाएगा ना, निकाल सकते हो, क्या कोई कंफ्यूजन है, नहीं तो फिर बहुत सारा रूल से आप लोग याद करते रहो, टफ हो जाएगा क्वेश्चन, क्लियर है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो भाई अब हम फाइनली जो आज पढ़ाना चाह रहे हैं उस पर आ रहे हैं, यानी इनमें इन सब का कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, इसलिए हम पहले डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी ये सब अभी थ्योरम्स हम और बहुत सारी डिस्कस करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं भाई, आज हम बात कर रहे हैं मीडियन और सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक क्या होते हैं, मीडियंस क्या होते हैं, इन सब में तो समझिएगा ध्यान से भाई, आगे बताया भी गया, अच्छा हाँ ठीक है यहाँ पे ऐसा दिया गया, चलो इसको देखोगे, मीडियन का मतलब ये हो मध्य का, आपको पता है हिंदी में, जैसे मान लो हम ये कह दें
कि ये देखो इसको ऐसे बना दे, ये अगर हम त्रिभुज यहाँ ए बी और सी एक त्रिभुज है, इसको ध्यान से समझिए, बहुत एक बार अगर आप लोग समझ गए, मध्यिका के क्वेश्चन बहुत बार, हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। त्रिभुज ए बी सी है, थोड़ा सा सही नहीं बना लेकिन समझिएगा, भावनाएं समझिएगा भाई। जो यहाँ ए डी, यानी ए डी जो है इसका मीडियन है, ए डी क्या है, मध्यिका है, ए डी मध्यिका है, किसकी मध्यिका है, ये किसका मध्यिका का मतलब ये बी सी को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। मतलब ये हुआ कि जो हमारा बी डी, बी डी इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा। ये तो अभी आप लोग लिखे थे किसमें, अपोलिनियस थ्योरम में, और अपोलिनियस थ्योरम याद है कि ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू टू ए डी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर कर दे, चाहे सी डी या बी सी डिवाइड बाई टू कर दे, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन अभी एक, लेकिन मीडियन कितनी हो सकती भाई, मीडियन तीन हो सकती, एक तो ये हुआ यहां पे ए डी, यहां पे बी ई बना ले, ठीक है बी ई बना ले। अब ये भी देखो मीडियन का मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर भागों में डिवाइड करेगा, मतलब अगर हम इसकी बात करेंगे जो ए सी तीसरा, तो ये भी बोल सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ये बी ई का स्क्वायर, अपोलिनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक और मध्यिका क्या होगी भाई, ध्यान समझिएगा, एक मध्यिका थोड़ा सा ए ए ए ये मध्यिका हुआ, यहां सी एफ बना ले, ध्यान समझे सी एफ जिस बिंदु पर मिलते हैं, और ये भी इसका मतलब ये और ये बराबर भागों में डिवाइड करेगा, समझ में आ गया होगा। यानी किसी त्रिभुज की तीन मध्यिकाएं हो सकती हैं, तीन मध्यिकाएं भाई, तीन साइड है, तीन ही मध्यिका होगा ना, तीन मध्यिकाएं हो सकती हैं, ज्यादा नहीं हो सकती हैं, क्लियर है, ओके ओके। अब देखो ये समझना आप लोगों को, यहां पर भी जिस पॉइंट पर तीनों मध्यिकाएं मिलती हैं, ठीक है, इसी को हम जो है जी बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं, सेंट्रॉयड यानी केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें भी जो है आप लोग जैसे होता है ना कि यहां पे जी का एक रूल होता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहला ये है जो एक थ्योरम्स दिया गया है कि मध्यिका का सेंट्रॉयड वाला, कि जब भी यहां ध्यान देगा एजी, एजी या यहां से यानी वर्टेक्स से जहां मिला, और ये जी डी, जी डी ये रेशियो किसका होगा, ये पहले मध्यिका की बात करें ना, दूसरी मध्यिका की बात करेंगे बीजी ना, बीजी अपॉन ये यहां से ये जी डी, जीई, जीई ध्यान समझेगा। तीसरी मध्यिका की बात करें यानी यहां वर्टेक्स से सीजी, सीजी अपॉन जीएफ, जीएफ, इनका हमेशा अनुपात दो अनुपात एक का होगा, इनमें कोई डाउट मत रखिएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब भी यहां पे तीन किसी त्रिभुज की तीन मध्यिकाएं मिलती हैं किसी बिंदु पर, यानी जिस बिंदु पर मिलती हैं वो केंद्रक हुआ, जी हुआ, सेंट्रॉइड हुआ, जो सेंट्रॉइड हुआ जो वर्टेक्स ये अपॉन ये वर्टेक्स से बात करोगे, ये अपॉन ये वर्टेक्स से ये अपॉन ये, मतलब शीर्ष से जो जहां केंद्रक है उनका और उसके बाद साइड पर दोनों का जो अनुपात होगा दो अनुपात एक होगा। और ये चीजें हमने आप लोगों को किसमें भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा बताया था इसके पहले वाली क्लास में, जब थोड़ा सा हमने बताया था कि भाई इन सेंटर और सर्कम सेंटर क्या होता है, यानी अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या क्या होती, तो भी ये थोड़ा सा बताया था, ध्यान दीजिएगा। तो ये दो, अगर ये 15 होगा तो ये 10 होगा और ये 5 होगा, समझ में आ गया, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पहला रूल है यानी सेंट्रॉइड का, ओके। और ये भी जान लो, अच्छा मध्यिका को हमने एक चीज और नहीं बताया, मध्यिका जो होती है ना, जो एडी, जैसे हम त्रिभुज एबीसी की मध्यिका एडी है, तो मध्यिका का मतलब हुआ त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों में भी विभाजित करती है। किसकी बात करें भाई, मध्यिका जैसे त्रिभुज एबीसी की मध्यिका एडी है, तो एडी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल ए डी बी और ए डी सी में विभाजित करेगी, वैसे यहां, ठीक है, ये ध्यान समझिएगा, इन सब में क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे हम ये बोल दें कि ए बी और सी है, इसकी मध्यिका डी है, तो डेफिनेट है जो त्रिभुज एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी डी, एरिया त्रिभुज ए बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ, ध्यान दीजिएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी,
यानी एबीसी का आधा है, या हम बोल दें कि जो एबीसी जो है यानी इसका डबल है, यानी इसका डबल एबीडी का क्या है, त्रिभुज एबीसी है। बताओ क्लियर है? यानी मध्यिका हमेशा त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। भाई बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट यहां तक नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब देखो यहां पर बहुत सारे रिलेट होते हैं, बहुत सारे टर्म्स रिलेट होते हैं। जैसे जैसे ये बोल दिया जाए कि अभी तो आप लोगों को ये पूरा लाइन हमने खींच दिया, लेकिन ये भी कहा जाता ना, जैसे इसकी मध्यिका यहां, इसकी मध्यिका यहां, यहां ये जैसे ऐसे मिला ले, ध्यान दीजिएगा पॉइंट से नहीं, यहां मध्यिकाएं मिला दें, त्रिभुज की कोई मध्यिका जितने भागों में आप लोगों को लगेगा कि डिवाइड कर हो रही है, जैसे जैसे ये देखो इसमें अगर दिख रहा हो, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान दीजिए, अगर दिख रहा हो एबीसी के रिस्पेक्ट में एरिया ऑफ त्रिभुज बीजीसी, बीजीसी बताओ क्लियर हो रहा क्या कह रहे हैं, मतलब हम इसकी बात करें, आप बताओ ये देखने में लग रहा है, ये देखने में लग रहा, जो देखने में लगे लॉजिकली वही आंसर समझिए। मतलब अगर हम त्रिभुज एबीसी की बात करें तो जो ये जितना ये होगा, मतलब इसमें इसका वर्टेक्स और ये जितना ये होगा इतना ये होगा इतना होगा, मतलब ये हुआ कि इसको बीजीसी का एरिया 1/3 एरिया ऑफ, ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा कि नहीं होगा? कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो ये जो एबीसी का ये जो बीजीसी है वो पूरे त्रिभुज का तीन भाग, एक भाग दो भाग और तीन भाग बराबर होगा नहीं होगा? ये भी आता है कि भाई ये वाला पार्ट अगर हमें एरिया दिया है तो बताओ एबीसी का एरिया या एबीसी का दिया ये पार्ट का एरिया। अच्छा एक चीज और देखो, और बहुत सारे बनते हैं इसमें, देखो बनाना होता है। अच्छा अगर हम एक पार्ट की बात करें, ध्यान कोई पार्ट बी जी डी, ध्यान दीजिएगा एरिया बी जी डी, ध्यान समझिएगा तभी कन्फर्म होगा। तो BZD की बात करो आप लोग, ये जो है BZD ये कितना भाग होगा भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा ना। हम कह सकते हैं जो एरिया BZD है वो त्रिभुज का कितना भाग होगा? 1/6 भाग होगा, 1/6 एरिया ऑफ, ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। अब कहेंगे सर वेरी गुड, समझ में तो आ रहा है। अच्छा ये तो ये हुआ, अभी और भी बहुत सारा है, ऐसा नहीं कि यही है, हम ऐसे भी बना सकते हैं। समझिएगा, हम ये बोल दें कि एक त्रिभुज एबीसी है ना, एक त्रिभुज ये ए बी और सी है, इनकी मध्यिकाएं यहां है ना, इनकी मध्यिकाओं को मिला दो, देखो ये ना, अब मध्यिकाओं को मिला दो कि मध्यिकाएं मान लो ये मध्यिका डी है, बस समझने के लिए है, ये मध्यिका ई है और ये एफ है। आप बताओ यहां पे कैसा हो गया, देखने में ही लग रहा है अगर मध्यिकाओं को मिलाने पर चार त्रिभुज तैयार हो रहा है। हम ये समझेंगे 1, 2, 3, 4 सब बराबर है भाई। अगर हमें बोल दिया जाए एरिया ऑफ कोई भी, यहां से कह दो बी डी बी एफ डी बदल दे, बी डी एफ बी डी एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ इक्वल टू डेफिनेट है क्या होगा भाई? आप बताओगे 1/4 किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी होगा कि नहीं होगा? मतलब देखने से मीडियंस को मिलाने पर जो आप लोगों को लगे जितने भाग में डिवाइड हो रहा ना वो सब एरिया के बराबर होगा उतने पार्ट में। अच्छा वेरी गुड। अच्छा और एक बता सकते हैं, ये त्रिभुज बन गया ना, इसकी भी मीडियंस हैं, ये है ये है और ये है, बोल सकते हो, या ये भी कह सकते हो, एक तो ये हुआ मीडियंस को मिला दें, मीडियंस को मिला दें, अब हम यहां कुछ भी नाम दे दें, पी क्यू आर बोल दें, ध्यान समझिएगा, अगर हम बोल दें एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, ध्यान समझिए, एरिया ऑफ पी आर ई, पी आर ई क्या होगा? तो ये तो हमें पता, सबसे पहले जो ये किसमें है, आप कहोगे सर ये तो इस वाले में है, एफ इसमें इसमें है, मतलब हम ये कहेंगे सर ये एफ डी ई को चार भागों में डिवाइड कर जा रहा, 1/4 एरिया ऑफ एफ डी ई, एफ डी ई, लेकिन एरिया ऑफ एफ डी ई का क्या है, जो एफ डी है एबीसी को चार भागों में विभाजित कर रहा है। हम ये भी कह सकते हैं सर इसका मतलब 1/4 तो है ही है, जो ये है ये भी क्या है अपने आप में, जो ये है ये 1/4 किसका, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का है। मतलब फाइनली हम कह सकते हैं सर ये 1/16 एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का हो जाएगा क्या, आपका एरिया ऑफ पी आर ई। ये चीज ध्यान देना आप लोगों को, मतलब बहुत बार कन्वर्ट होगा कि जैसे ये है ये चार भाग इसका, तो चार भाग पूरे का, चार चार मल्टीप्लाई कर दोगे 1/16 भाग। कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये डाउट नहीं होगा। अच्छा एक चीज और समझिए, ये तो हो गया ना, चलो अच्छा एक और बताते हैं। एक और कभी कभी आया है, जैसे हम ये बोल दें, ये आप लोगों को समझना खुद से बना सकते हो क्योंकि ये रटने वाला नहीं है, ठीक है। हम जैसे यहां बोल दें कि चलो इसको ऐसे बनाए, इसका मीडियन ये, इसका मीडियन, इसका मीडियन, चलो इसको हम मिला देते हैं, मिला दिया ना, ये डी हुआ और ये ई हुआ और ये एफ हुआ। हमें पता है भाई किसी का भी ये सब चार भागों में विभाजित करेगा, ये क्लियर है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम इसको ऐसे कर दें, हमें पता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज का अंदर जी है, जी नहीं ओ मान लें, चलो ये ओ मान लें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम बोल दें यहां पर ये, यहां पर पी, ठीक, और यहां क्यू, इस साइड पर आर, ये ओ है। अगर हम बोल दें इसकी बात करें भाई, ये तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये तीन भागों में विभाजित कर रहा है, मतलब कितना बन सकते हैं ये ध्यान दीजिएगा। हम कहें कि सर एरिया ऑफ, एरिया ऑफ त्रिभुज एफ ओ ई, त्रिभुज एफ ओ ई ये क्या होगा, आप कहोगे सर ये 1/3 एरिया ऑफ एफ डी ई होगा, एरिया ऑफ एफ डी ई होगा, एफ डी ई होगा, बिल्कुल। अब अगर एफ डी ई होगा 1/3 तो एफ डी ई एबीसी का कितना भाग होगा, आप कहोगे सर 1/3, जो एफ डी ई है वो एबीसी का चार भाग होगा, यानी 1/4 एरिया ऑफ, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, मतलब थोड़ा सा लिखने में ध्यान समझिएगा 12। तो हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ एफ ओ ई ये 1/12 ट्रायंगल एरिया ऑफ कितना, त्रिभुज एबीसी। तो ये ध्यान देना है कि जैसे हम अगर इसकी बात करें, ये इसका भी तीन है और पहले चार, चार तीन 12 मल्टीप्लाई कर दोगे ये बन जाएगा, ठीक है ना। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि एफ ओ पी ए, तो ये तो 6 भाग हो गया और ये चार भाग, ठीक, चार से गुणा कर दोगे तो ये बहुत सारे बनेंगे, हम क्वेश्चन में इनका जिक्र करेंगे भाई। ओके बताओ क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो कुछ फॉर्मूले देखो, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया भाई, ये तो कन्फर्म है, एक जनरल क्वेश्चन है, अभी इस पे क्वेश्चंस लिखवाएंगे कि जैसे मीडियंस को आपस में मैच करने पर कितने पार्ट में डिवाइड होगा, उनको पूरे त्रिभुज के एरिया को कैसे रिलेट करोगे। ओके ये सब डिस्कस की, अब यहां ध्यान दो, एक सेंट्रॉइड बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये तो है ही है, बेसिक है, यानी थ्री जो तीनों साइड्स का स्क्वायर होगा ना ए बी, जैसे ये ए त्रिभुज ए बी सी है, ये बराबर भागों में डिवाइड किया गया, इसका जो है ओ सेंट्रॉइड है, यानी ओ केंद्रक है, देख दिख रहा होगा आप लोगों को, ओ अगर केंद्रक है तो डेफिनेट है 3 × साइड का स्क्वायर बराबर इतना। और इसी को हम ये भी बोल सकते हैं, ध्यान समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, बार आया था एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, हम बोल सकते हैं 4/3, 3 इधर ले आओ, एरिया, एरिया फॉर्म्ड, फॉर्म्ड बाई मीडियंस, बाई मीडियंस, मध्यिकाएं, मध्यिकाएं क्या, मीडियंस, सी डी कॉमा बी एफ कॉमा ए ई, ठीक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं करिएगा, मतलब चाहे हम इसको ये बोले पहला फॉर्मूला और चाहे ये दूसरा, इसी को बोलेंगे जो एबीसी का एरिया होगा 4/3, यानी मीडियन से जो एरिया फाइंड होगा, एरिया मीडियंस का रिलेट करके जो साइड्स होंगी ट्रायंगल के फॉर्म में फॉर्मेट, उनका उनके सम के बराबर होगा। ओके अच्छा एक कंडीशंस और होंगी, ध्यान दीजिएगा, ये तो ये हो गया, एक कंडीशंस और होंगी, अगर आप लोग इसको ध्यान समझिए, फॉर्मूला बहुत बार रिलेट होता है, हम इसको अलग उस पर बताते हैं, ध्यान समझिए, डायग्राम बना के बताते हैं। चलो देखो डायग्राम यहां बनाते हैं, फॉर्मूला यहां लिखते हैं,
देखो ध्यान से, ये ए, ये बी, ये सी। तो ए के सामने ए, साइड्स की बात करेंगे, बी के सामने बी, सी के सामने सी। क्यों लिख दे रहे हैं? क्योंकि भाई थोड़ा सा जो है हम एबीसी में एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भुजाओं और मीडियंस में रिलेशन जो होता है वो क्या होता है। आप कहोगे सर ये एक एडी मीडियंस है मध्यिका, हाँ पता है ये दोनों बराबर भागों में। दूसरी मध्यिका बीई है सर, बिल्कुल सही है। तीसरी मध्यिका सीएफ है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमें ये बोल दिया जाए कि जो भुजाएं हैं उनमें मध्यिकाओं में रिलेशन क्या क्या बन सकते हैं। याद करो अपोलिनियस थ्योरम, अगर हम पहले इसको ले लें, अपोलिनियस थ्योरम कहता है भाई कि ए बी की अगर बात करें, यानी अगर हम ए डी को रिलेट करते हैं, अपोलिनियस थ्योरम कहता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ये बराबर किसके होगा, यानी तीनों भुजाओं को और मीडियंस को रिलेट कर रहे हैं, बराबर होगा दो गुणे ए डी का स्क्वायर। ठीक है ना, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी और सी डी बराबर होंगे, बी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन हम क्या बी डी को क्या कह सकते हैं, यहाँ तीनों भुजाओं के लेना है, क्या बी सी बाई टू नहीं कह सकते हैं? आप कह सकते हैं बिल्कुल, यहाँ बी सी बाई टू के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, बताओ यहाँ कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यही चीजें हम वैल्यू के फॉर्म में रख दें, जैसे ए बी हमारा क्या है, आप कहोगे सर ए बी हमारा ए बी सी है, सी का स्क्वायर। हमारा ए सी क्या है, कहोगे सर बी स्क्वायर। तो टू ए डी हमें चाहिए, तो ए डी ऐसे रहें तो मीडियन है। बी सी क्या है भाई, बी सी हमारा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर फोर, बाहर कर दो ये। इनसे अगर हम ए डी निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे भाई, देखो ए डी निकालना चाहेंगे तो दो इधर ले आओगे डिवाइड हो जाएगा ना, और या ऐसा करो दो से हम मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू ए डी हो जाएगा, और टू ए स्क्वायर बाई टू, और टू सब में मल्टीप्लाई कर दो, कहोगे सर टू सी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा इक्वल टू ना, तो टू से यानी फोर ए डी स्क्वायर ना, और प्लस ध्यान दीजिएगा यहां टू से करोगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ये इधर आएगा। कहोगे सर फोर ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा, फोर ए डी स्क्वायर इक्वल टू बनेगा टू, चाहे इसको टू टू सी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप कहोगे ए डी स्क्वायर क्या बनेगा सर, ए डी स्क्वायर बनेगा फोर इधर आएगा, ए डी बराबर अंडर रूट ले लो ना, तो ए डी बराबर फाइनली ये समझिए हाफ ऑफ बाहर हो जाएगा अंडर रूट टू सी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, इसको हम इतना प्रूव इसलिए कर रहे हैं कि ये एक लाइन में भी कर सकते हैं, बस आप लोगों को याद करना है, इसको कंफ्यूजन नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ए बी ये साइड्स हैं तो इनका जो स्क्वायर होगा, इन्हीं तीनों भुजाएं अगर दी गई हैं तो उस पर मीडियन जिस पर होगा, जो मीडियन होगा, मीडियन की लंबाई तीनों भुजाओं के उसमें क्या होगा कि टू सी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिस पर मीडियन होगा, ध्यान दीजिएगा जिस साइड पर मीडियन होगा वो माइनस में होगा, ध्यान दीजिएगा जिस साइड पर मीडियन होगा वो माइनस में होगा, वन बाई टू अंडर रूट ये होगा। इस पर क्वेश्चन बहुत बार आएंगे। आप दूसरा अगर हम इसी से हेल्प से हम कह दें सर मीडियन बीई क्या होगा, आप कहोगे सर वन बाई टू, मीडियन बीई का मतलब बी बस माइनस में होगा बाकी दोनों का स्क्वायर, मतलब आप बोल सकते हैं टू बी का स्क्वायर, और नहीं टू बी नहीं ना, क्या टू बी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते भाई, जिस पर मीडियन होगा वो लास्ट में होगा, मतलब बोल सकते हो कि टू ए का स्क्वायर प्लस टू सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होगा, मतलब जो जो मीडियन वाला साइड्स होगा वो माइनस में होगा बाकी ये। ठीक है, मतलब तीनों भुजाओं की अगर बात करें जिस पर मीडियन होगा, जिस साइड भुजा पर, वो माइनस में होगा, बाकी दोनों का डबल करके स्क्वायर करना होगा, ये आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? ये अपोलिनियस थ्योरम से आप लोग रिलेट कर रहे हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तीसरा आप लोगों को या कैसे निकाले ये भी क्लियर हो गया, अपोलिनियस थ्योरम से ही है। तीसरा आप लोगों को बोल दिया जाए सर सी एफ बताइए, हम कहेंगे बिल्कुल सी एफ किस पर है, सी एफ है भाई सी पर, तो सी माइनस में होगा, यानी टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हाफ ऑफ ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी इस पर तीनों भुजाओं दी होंगी, मीडियंस निकालना होगा तो ये फॉर्मूला का यूज करोगे, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान समझेगा, वेरी गुड। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं, इतना समझ में आ गया सभी को मीडियंस क्या होते हैं,
देखो इतना मीडियंस में, मीडियन और सेंट्रॉइड की बात करें, केंद्रक की बात कर रहे हैं, ये पहला 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितने भागों में डिवाइड होगा, एक ये फॉर्मूला बनेगा जो अलग अलग तरीके से, और एक ये बनेगा भाई 3ABC, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि यानी तीनों भुजाओं में तीनों का जो वर्गों का युगफल 4/4 उनकी तीनों, अगर मतलब तीनों भुजाएं दी हैं और दो जो है उनके मीडियंस दिए हैं, तीसरा मीडियन क्या होगा, ये रिलेशन होगा ये, ठीक है। और बाकी ये तो आप लोग अभी डिस्कस किए ही। चलिए फाइनली इसको बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोग जो है कुछ अपना अपना आंसर दिए थे गलत गलत। द लेंथ ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 9, 12 इतना, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन सेंटीमीटर। अगर मीडियंस एक त्रिभुज के मीडियंस दिए हैं तो बताइए उनका एरिया। तो कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बड़ा टफ लग रहा है, अभी आप लोगों को बताए थे, ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई भी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 4/3 एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियंस, यानी मध्यिका से एरिया, एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियंस, एरिया मतलब एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियंस, ये बताया था ना, तो एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियंस, तो मीडियंस का मतलब यानी मीडियन आप लोग मध्यिकाएं से बना क्षेत्रफल, मध्यिकाएं देखोगे मध्यिकाएं किस फॉर्म में है, जो मध्यिकाएं हैं तीनों 9, 12 और 15, तो हमें पता भाई 9, 12, 15 शायद जो है ये जो है आपस में क्या होते हैं, अगर 9, 12, 15 से मीडियन से त्रिभुज को हम बनाएंगे तो 9, 12, 15 से जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो 9 का स्क्वायर + 12 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ये क्या हुआ राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अगर हम मीडिया फॉर्म वाइज मतलब एरिया फॉर्म वाइज मीडियन करेंगे तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 9 × 12 होगा, तो 2×12 = 9×54 यानी 54 सेंटीमीटर मीडियंस के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल बनाएंगे उसका एरिया होगा, वेरी गुड। अब यहां पे रख दो भाई, तो 4/3 एरिया फॉर्म बाय मीडियन, मीडियन जो फॉर्म हुआ वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ और उससे उसका एरिया 54 हुआ, 3 × 18 = 72 यानी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यानी बहुत सारे लोगों ने इसको गलत किया था और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा भाई, बताइए कोई कंफ्यूजन है, यही तो बताया था ना एरिया जो मतलब मीडियंस की जो लंबाई है ना, अब वो हो सकता है स्केलन ट्रायंगल के फॉर्म में हो सकता है इक्विलेटरल तो नहीं कम देते हैं, हो सकता है जो है किसके फॉर्म में हो भाई, हमने कहा स्केलन ट्रायंगल के फॉर्म में, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में हो, तो ये सब बन सकते हैं। तो उस एरिया फॉर्म बाई मीडियन जो होगा वो जिसमें बनाया गया होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/3 एरिया फॉर्म बाई मीडियन के बराबर होगा, बहुत अच्छी बात है, जिनको फॉर्मूला पता होगा वही लोग बता सकते हैं, अदरवाइज उनको कंफ्यूजन होगा। ओके चलिए भाई नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट दिस, अच्छा ये सब बहुत आसान आसान, हाँ देखो नेक्स्ट बहुत आसान, यदि जी केंद्रक है, ADBE CF ABD की तीन मध्यिकाएं हैं, मध्यिका जिनका क्षेत्रफल इतना है, तो बीच मतलब अभी लिखे थे आप लोग भाई, देखो इसको बनाए थे देख के बता दोगे, देखो ये ABC एक त्रिभुज है ना, और ADBE CF AD अभी लिखे थे ना इसको, BE और CF ठीक है, इनकी मध्यिकाएं हैं, तो त्रिभुज ABC की तीन मध्यिकाएं हैं और जिनका क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो BDG आप बताओ, ये जी इसका केंद्रक है, BDG देखते ही बताओ त्रिभुज BDG का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDG इक्वल टू क्या होगा भाई, आप कहोगे सर ये 6 भागों में विभाजित कर रहा है, 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा सर, है ना भाई, BDG ये BDG एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ 1/6 बाई दिस, ओरली बता सकते हैं भाई 1/6 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 दिया है, तो कितना आसान है, तो 6 × 3 = 12, अच्छा 6 × 3 = 18 और 6 × 6 = 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होगा, 36 करेक्ट, ओरल बता सकते हैं, वैसे बहुत सारे बन सकते हैं, बोल दिया था बताओ सर एरिया ऑफ BDG से क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था बताओ एरिया ऑफ BGC क्या होगा, तो 1/3 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, अच्छा फिर बोल दिया जाता सर एरिया ऑफ ऐसे, मतलब जितने फॉर्म में बनाया जा सकता अभी आप लोग बताए थे वो सब पूछा जा सकता है, बहुत अच्छी बात है, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया गया, देखो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, AD एक मध्यिका जिसकी लंबाई इतना सेंटीमीटर है, AG का मान, अच्छा देखो कह रहा है कि त्रिभुज ABC की हम बात करें तो ABC है, तो यहां पर AD है, G क्या है, केंद्रक है, मध्यिका है, AD एक मध्यिका है जिसकी लंबाई ABC की लंबाई, ABC लंबाई लेंथ ऑफ AD की लंबाई, देखो ध्यान देगा AD इक्वल टू कितना हुआ 12 सेंटीमीटर हुआ,
तो आपको क्या चाहिए? एजी चाहिए भाई, अभी तो लिखे थे भाई, तो एजी चाहिए। आप बताओ क्या होगा एजी? एजी अभी लिखे थे आप लोग कि जो ये अपॉन ये होगा ना 2:1 में, यानी एजी अपॉन जीडी जो होता है वो कितना 2:1 में विभाजित होता, नहीं होता, यानी पूरा जो है वर्टेक्स और यहां से अगर जो मध्य का है तो ये पूरा भाग 3 होता है, तो 3 भाग की वैल्यू दिया है ना 12 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए आप लोगों को? अगर एजी चाहिए तो 2 भाग चाहिए, और अगर जीडी चाहिए तो 1 भाग चाहिए, तो 3 × 12 = 8 सेंटीमीटर। मतलब इतना आसान का मतलब समझने के लिए दिया है, ये सॉल्व करने के लिए नहीं दिया भाई। वेरी गुड, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो इसको बताओगे क्या होगा। ये याद करने वाला क्वेश्चन बहुत बार सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है? हाँ चलो लास्ट वाला अभी है, ये देखो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्या है क्वेश्चन, देखो देखो ये देखो, ए ए बी सी है ना, ए बी सी है कि मध्यिकाएं, दो मध्यिकाएं हैं, दो मध्यिका दिया गया है, बीई बीई और सी एफ, बीई बीई सी एफ, ठीक सी एफ, ध्यान दीजिएगा सी एफ, दो मध्यिकाएं जी पर उनका प्रतिच्छेदन है, ये तो ठीक है, ये तो जी है केंद्रक, अच्छी बात है। साथ ही मान लीजिए बी ई ई एफ ए जी को ऊपर काटता है, ए जी को, चलो इसको बना देते हैं, यहां डी अपने मन से बना देते हैं, कोई बात है, तीन मध्यिकाएं तो हो ही सकती हैं। कह रहा है कि जो ए जी ई एफ को ऊपर काटता है, ओ ऊपर काटता है, तो ए ओ अपॉन ओ जी हमें चाहिए भाई, क्या ए ओ अपॉन ओ जी का रेशियो क्या होगा? मतलब कंडीशन से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि अगर ऐसे मध्यिकाएं यहां मिला देंगे तो ये तो है ही है। अच्छा हमें पता है एक चीज, ध्यान दीजिएगा, हमें पता है भाई एजी अपॉन जी डी ये 2:1 होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, तो एजी 2 भाग होगा। अच्छा ये जरूरी थोड़ी कि बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। हाँ ये पता है कि जो एजी है, हाँ ये पता है कि जो एजी है, ये एजी क्या है, ये एओ और प्लस ओजी ये है, लेकिन बराबर नहीं है, ये हमें क्लियर नहीं है। तो आप कह सकते हो, देखो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा करें कि जैसे कुछ मिल जाए भाई, एओ जी डी गायब हो जाए और ये सब एडी मिल जाए। अच्छा एडी अगर हम मिल जाएगा तो क्या होगा? एडी तो हम पता चल जाएगा ना, एजी जी डी मरा ले, अच्छा जिससे हमें ये मान पता चल जाए। देखो एक चीज ध्यान दो, हम ये कह दें कि भाई एजी एजी अपॉन जी डी क्या होगा, नहीं एजी अपॉन एडी क्या होगा, ये तो बता सकते हैं ना भाई, एजी और एडी, एडी तो 3 भाग होगा, एजी 2 भाग होगा, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एजी अपॉन जी डी इतना होगा जब, तो वो तो हो ही जाएगा। हमें क्या करना, कुछ ऐसा करना ना कि भाई जी डी गायब कर देना, मतलब एडी गायब कर देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा ना, तो जी डी आ जाएगा, जी डी आ जाएगा तो फिर हम उसको रिलेट कर लेंगे, तो जी डी क्या ओजी है, ओजी चाहिए हमें, हमें ये बचे तो एक ये ही कर सकते भाई, ये तो है ही है। हम कह दें कि हम ये कह दें, अच्छा ये मध्यिका है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए ये मतलब कैसे निकालना है हमें ये भी समझ, ये इसकी मध्यिका है, मध्यिका का मतलब ये और ये दोनों बराबर भागों में डिवाइड होगा, क्लियर है, ये दोनों बराबर भागों में डिवाइड होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बराबर भागों में किसको निकालना है भाई, यही बताना ना, ठीक है ठीक, बराबर भागों में डिवाइड करना, हम ये भी कह सकते हैं भाई, ध्यान समझिएगा, एई एई ये त्रिभुज, ये तो अगर हम इसको ले लें, ये बराबर है, मतलब एई अपॉन एसी, एई अपॉन एसी इक्वल टू हम बोल दें ओई, ओई अपॉन सीडी, ओई अपॉन सीडी,
ओई अपॉन सी डी, या हम ये बोल सकते हैं कि एओ अपॉन ओडी ना, एओ अपॉन ओडी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। और ये बराबर कितना होगा, ये बराबर है मतलब ये बराबर दो एरिया में डिवाइड करेगा ये पूरा एओ, ये नहीं एडी 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 एडी, देखो ये एओ अपॉन कितना एडी पूरा, जैसे भाई ये एरिया ये एरिया बराबर होगा, क्योंकि मीडियंस क्या होती है बराबर भागों में विभाजित करती है। हमें क्या करना, कहीं ना कहीं भाई हमें एडी को मतलब इसको जीडी एडी से हटा के एडी को हटा के हमें क्या लाना है, एओ और जीडी के फॉर्मेट में लाना है। तो अब बिल्कुल सही है, देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास ये है ना एजी से मिल जाएगा, ठीक है एजी अपॉन एडी है, ये कितना है 2/3 है ना, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें एडी एडी अपॉन एओ से, कर सकते हैं कर सकते हैं, एजी अपॉन एडी इक्वल टू हमारे पास 2/3 है, मतलब एडी हटाना है, एडी कितना है 2 और एओ कितना है 1, तो इससे क्या होगा ये कट जाएगा, एओ और हमें टर्म्स में मिल जाएंगे, हम यही कहना चाह रहे हैं टर्म्स के फॉर्म में मिल जाए हमें, तो ये 4/3 एजी बराबर कितना होगा एओ प्लस ओजी, एओ प्लस ओजी ठीक है एजी एवी एओ, तो 3 यहां गुणा हो जाएगा ना, और इक्वल टू 2 × 4 गुणा हो जाएगा किसमें, ये अपने एओ में 4 AO जो हमें चाहिए, बस मामला रफा दफा, 3 AO AO इधर आ गया ना बराबर 3 OG, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एओ अपान ओजी, हाँ बिल्कुल सही है एओ अपान ओजी, तो एओ अपान ओजी का मतलब 1/3 1/3 होगा, नहीं बिल्कुल सही है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, इतना मतलब बहुत टफ हो गया, कहोगे सर इतना टाइम क्या होगा वहां सोचने का, नहीं होगा भाई, ये सब जो है परिमेय है, मतलब आप लोगों को पहले से याद करना है कि भाई अगर इसको मिड पॉइंट पे मिलाएगी तो जो ये और ये होगा तो डेफिनेट ये कितना 3 भाग, ये 1 भाग होगा एओ अपान ओजी, एओ अपान नहीं ये 1 भाग होगा ये 3 भाग होगा, कहोगे सर देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन देखने में नहीं लग रहा है लेकिन है, ये ध्यान दीजिएगा ये हमेशा एओ अपान ओजी ये होगा, यानी 3:1, ये गलत कर दिए क्या, 4 AO एओ अपान ओजी, ओजी 1 है एओ 3 है, उल्टा कर दिया, देखो एओ अपान ओजी का मतलब 1/3 ये उल्टा 3/1 होगा, हाँ सही है, हाँ सही है, ये ज्यादा है ये कम है इसी से मिला ना बिल्कुल। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब ऐसा होगा तो ये 3 भाग ये 1 भाग होगा, रट लेना है क्योंकि ये एज इट इज एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन देखोगे हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था ये एप्लीकेशन, बाकी नेक्स्ट समय देखेंगे। एबीसी में भुजा AB बराबर C बराबर 4 cm, B6 इतना इतना मध्य का AD की लंबाई, देखो ये अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि एक त्रिभुज ABC है, वेरी गुड, दे भी दिया गया AB बराबर C, तो AB बराबर C मतलब सब दिया बराबर 4 cm, ये 4 cm ठीक है, और भुजा AC बराबर B, AC बराबर B का मतलब 6 cm, ये आप लोग पढ़ो, BC बराबर A का मतलब 7 cm ठीक, तो मध्यिका एडी की लंबाई, एडी की लंबाई आप लोगों को हमने क्या बताया था, मध्यिका एडी की लंबाई का मतलब जिस पर लंबाई होगी वो बाद में होगी, मतलब जो एडी इक्वल टू क्या होगा, एडी इक्वल टू क्या होगा 1/2, अगर हम इसको जैसा दिया गया इसके अकॉर्डिंग ए बी इक्वल टू सी मान लें, और क्या दिया है AC इक्वल टू बी मान लें, AC इक्वल टू बी मान लें, और इसको मान लें ए, तो क्या बन जाएगा, ए बाद में आएगा, मतलब 2C² + 2B² - A², जिस पर मध्यिका होगा लास्ट में आएगा ना, ये ध्यान देना है, मध्यिका जिस साइड पर पूछा जाएगा लास्ट में आएगा, बना लो भाई 1/2 2C², तो 2 मतलब इन दोनों का चाहे जो भी करो 2C², 4² = 16 × 32 यहां लिख दो, +2B² तो 6 × 36 × 72 72 -A² 1 = 7² = 49 ना 7² = 49 ये तो हुआ, जोड़ दो भाई, तो 2 × 2 = 4 4 - 9 = 5 का मतलब 5 ही होगा, ये कन्फर्म है, -1 यहाँ पे 2 7 × 2 9 = 4 यहाँ 5 √5/2 यानी √55/2 है ये, यानी 1/2 √55, बताओ कितना आसान है, अगर फॉर्मूला नहीं याद होता तो अभी आप लोग थ्योरम लगाते रह जाते, बहुत टफ हो जाता है। तो ये जितना आज आप लोगों को डिस्कस किए ना ये थ्योरम है, ध्यान दीजिएगा ये आप लोग क्वेश्चंस नहीं याद कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप इसकी बात करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे हमें यहाँ पे ये मध्यिका पूछ लिया जाता है, ये वाली मध्यिका पूछ लिया जाता है, बिल्कुल आप लोग जो बताए थे उससे रिलेट कर लोगे, ठीक है, इसको एक बार रिकॉल जरूर कर लीजिए भाई, अगर जहां
थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन किए तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। और ऐसा नहीं कि जो है ये इतना इजी क्वेश्चन है, आते हैं भाई बार बार, और ये हर बार एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा टफ भी हैं। टफ का मतलब अगर आप लोग सॉल्व करोगे टफ नहीं होगा, लेकिन अगर जो है थोड़ा सा गलती करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सम में हम लोग जो है कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जो है क्या करते भाई, विदा लेते हैं। और आप लोग भी जो भी थैंक यू बोलते हैं, नेक्स्ट सम में बिल्कुल इसी एनर्जी इसी जोश के साथ मिलते हैं। लाइक वगैरह कर दिया करिए भाई, जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बोला करिए, बिल्कुल हम आप लोगों के साथ हैं। तब तक के लिए सी यू, जय हिंद।